हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कुणाल इलेक्ट्रिकल्स में। मेरे पास एक विंडो एसी की मोटर आई थी जो डे 10 में है, जो मैं इस टाइम पे मैंने इसको वाइंड कर चुका हूँ। 3 स्पीड में मोटर है उसके, ये है ये रोटर, ये इसका रोटर कवर, वोल्टास एसी डे 10, और ये इसके रोटर कवर है, ये कवर है इसके। मैं आपको इसके कनेक्शन बता दूँ, इसमें जो लीड है वो ये है इसकी, 6 तार वाली, 2 कैपेसिटर के अलग से, ब्लैक इसकी कॉमन होती है, रेड इसकी आई है, येलो मीडियम, वाइट मीडियम येलो इसकी। एक मिनट सॉरी, मैं फिर भी इसमें से आपको देख के बता देता हूँ कौन कौन से कैसे कनेक्शन है। ब्लू ब्राउन इसके कैपेसिटर में आप देख सकते हैं, ब्लू और ब्राउन इसकी कैपेसिटर है, ब्लैक हाई है, वाइट लो है, येलो मीडियम है, रेड इसकी हाई है। हो गए दोस्तों, इस तरीके से इसके कनेक्शन होंगे। और ये इसके स्टार्टर है 900 RPM में, आप देख सकते हैं इसमें। इसमें जो मैंने तार डाली है 30 से ही रनिंग है, 30 से स्पीड है और 29 से इसकी स्टार्टिंग है। हो गए दोस्तों, 1 से 4 के इसके पीछे कोर इसकी 1 इंची है, और अंदर का जो डाया है वो है 2 इंची 750 सूत। हो गए दोस्तों, जो इसका अंदर का जो डाया होता है वो है 2 इंची 750 सूत, इतना इसका डाया है। ओके दोस्तों, और कोर इसकी जो है 1 इंची है, 1 इंची 1.5 सूत, 1.5 सूत। ओके दोस्तों, अब मैं इसके आपको स्पीडो के कनेक्शन अपने एम्पेयर मीटर में बताऊंगा, जो मेरा ये एम्पेयर मीटर है और मेरा ये फ़ोन नंबर है 8510 88 40 41। ओके दोस्तों, ये मेरा एम्पेयर मीटर है, मैं इसमें आपको इसके एम्पेयर चेक करवाऊंगा, कितने एम्पेयर हाई पे लेती है और कितने लो पे लेती है और कितने मीडियम पे लेती है। तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ उसमें क्या है, ये कॉमन है इसकी, साथ में कैपेसिटर भी होगी, और ये हाई है इसकी, 3 तार है आप देख सकते हैं, हाई में हमेशा 3 तार होती है, हाई के बगल में ये है लो जो सिंगल तार है, और ये देखो ये है डबल तार, ये है मीडियम, आप देख सकते हैं डबल तार है, ये मीडियम है और ये हमारी स्टार्टिंग है। और दोस्तों, मेरा काम सारा एसी की मोटरों का जेन्युइन काम होता है, और आप देख सकते हैं इसके बैरिंग भी ख़राब हो रखे बहुत ज़्यादा, बैरिंग भी चेंज होंगे इसके, और मैं आपको बाद में मिलता हूँ ये सारा काम करने के बाद। ओके दोस्तों, हेलो दोस्तों, मेरी मोटर हो चुकी है कंप्लीट रिवाइंडिंग में, और मैं आपको ये देखो, मैंने इसकी स्पीडे भी लगा चुका हूँ, तार लगा चुका हूँ सारी, कुछ इस तरीके से मेरी 900 RPM मोटर दिख दिख रही है आपको। ऐसे वोल्टास डेटन, दोनों तरफ इसके चूड़ी है, एक तरफ फैन ब्लोअर होता है, एक तरफ फैन होता है, एक तरफ ब्लोअर होता है, देख सकते हैं आप। बैरिंग इसमें 6201 के बैरिंग है। आगे दोस्तों, अब मैं इसमें वार्निश करूँगा, वार्निश करने के बाद जब ये सूख जाएगी तो मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ कितने एम्पेयर लेती है। आप देख सकते हैं 24 स्लॉट में है ये मोटर, होगी दोस्तों। अब मिलते हैं हम थोड़ी देर में ही, आपको इसकी मोटर पूरी फिटिंग करने के बाद मैं आपको इसके एम्पेयर चेक करवाता हूँ कितने एम्पेयर लेती है। दोस्तों, मैं मोटर आखिर में वाइंड कर चुका हूँ, 1.5 टन की एसी की मोटर है ये वोल्टास में, इसके तरफ दोनों तरफ फैन लगता है, एक तरफ लगता है ब्लोअर जो हवा इसको रोटेशन करता है। ओके दोस्तों, मेरे पास 6 तारों के कनेक्शन के बारे में आप लोगों को कुछ बताना है कि किस तरीके से करते कनेक्शन। अभी जब ये मेरे पास आई थी उस बंदे ने गलत करंट दे के ही मोटर फूकी है, मैं आपको इसका भी मैं सबूत दिखाता हूँ कि स्पीडो में ही करंट दिया था। अभी मैं आपको इसकी तारें जली हुई दिखाता हूँ, पूरी तरीके से जली हुई नहीं थी। ये स्टार्टिंग की है, ये देखो ये स्टार्टिंग स्पीड, ये स्पीड इस मोटर की तार है, ये आप देख सकते हैं इसमें खाली क्या जला हुआ है, रनिंग सही है, इसमें थोड़ी सी तार स्पीड की होती है जो वो जल चुकी है,
आप देख सकते हैं कितनी सी तार जली है, थोड़ी सी तार, और यही स्पीड होती है, चार तार नहीं होती इसमें, 25-30 टर्न होती है स्पीडों में, जो स्पीड स्पीड में करंट देने के बाद तुरंत जल्दी फूक जाती है। तो यही कारण है कि मैकेनिक जो होते हैं ज़्यादातर अपने आप को कुछ ज़्यादा समझदार समझते हैं कि हम कर सकते हैं कनेक्शन, बाद में ये नतीजा मिलता है उनकी, अच्छी खासी मोटर फूक जाती है। ये कभी मोटर कभी फूकेगी नहीं बिगैर गलती से, ये मोटर जेनुइन कंपनी से आती है, कभी फूकती नहीं, सालों साल 10 साल लग गया तब भी नहीं फूकती, फूकेगी गलत कनेक्शन देने के बाद, जैसे कि इसका जो हाल हुआ है। हो गए दोस्तों, स्पीडो में इन्होंने करंट दिया है, और मैं इसके कनेक्शन आपको समझाऊंगा किस तरीके से इसको चेक करते हैं डायरेक्ट, वो भी हमारे डायरेक्ट बिगर पीसीबी के। मैं इसमें आपको इसकी स्पीडो चेक करवाऊंगा, हाई पे कितना एम्पेयर लेती है ये, और लो पे कितने लेते हैं, मीडियम पे कितने लेती है। ओके दोस्तों, ये मेरा फ़ोन नंबर है, आप चाहे इस पर कॉन्टैक्ट करके मेरे से कनेक्शन पूछ सकते हो, और चाहे तो अपनी मोटर वाइंड भी करवा सकते हो, मेरा काम स्पेशली एसी की मोटर का ही काम है। ओके दोस्तों, और मैं आपको समझा दूँ कि इसमें कैपेसिटर की दो तार कौन सी है, इसके एक ब्लू कैपेसिटर की है, दूसरी इसकी ब्राउन कैपेसिटर की है। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसके थिम्बल भी अलग दे रखे हैं और बाकी के थिम्बल सीधे सीधे दे रखे, तो बंदा इनमें कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी कॉमन देखा है। वो कैपेसिटर की दो तार अलग होगी, ज़्यादातर बंदे ब्लू बना देते हैं, जबकि इसे ब्लू है नहीं कैपेसिटर की, वो कॉमन कॉमन इसमें है अपनी ब्लैक। ओके दोस्तों, हमारी ब्लैक इसमें कॉमन है, रेड इसकी हाई है, वाइट इसकी लो है, येलो इसकी मीडियम है। और आपको मैं इसके इसमें भी चेक करवा देता हूँ, पहले ही मैंने बताया था, आप देख सकते हैं इसकी रोटेशन भी एंटी क्लॉक है। इस टाइम पे हम लेड साइड से देखते हैं क्लॉक वाइज किधर चल रही है और सीधी किधर से चलेगी। इस टाइम ये इधर से हमारी जो देखी जाती है ना, हम ब्लेड साइड से देखते हैं, ब्लेड साइड है तो ये हमारी ऐसे चलेगी एंटी, तो हमारी एंटी इसके एरो के हिसाब से दे रखा है, ये देखो ठीक है ना, एरो देख रहा है ना इसमें। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ, पहले तो आप इसको ही समझ लो क्या क्या लिखा हुआ डायग्राम में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो फ़ोन करके पूछ सकते हो। ब्लू और ब्राउन इसकी कैपेसिटर है, सी का मतलब होता है कैपेसिटर। ओके दोस्तों, अब ऊपर चलते हैं, रेड जो इसकी हाई है जो बगल में इसके लिखा हुआ है एच, येलो इसकी मीडियम जो बगल में लिखा हुआ है मीडियम, एम वाइट इस पर लो है जो बगल में लिखा है एल लो, और ब्लैक इसकी कॉमन है जो इसके बगल में कुछ नहीं लिखा, यानी कि आप समझदार हो, दो तार कैपेसिटर की निकल गई, तीन तार स्पीड निकल गई, तो सिंगल तार बची तो कॉमन बची। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसके कनेक्शन डायरेक्टली चला के दिखाता हूँ, प्रैक्टिकली किस तरीके से चलाते हैं, हमें किस बातों के ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए, किस तरीके से हमें चेक करना चाहिए। पहले अपना कैपेसिटर ले आओ, मैंने फ़िलहाल इसको पास से चेक करवाता हूँ, इसमें 4 का कैपेसिटर लगता है, ये 3.5 का। ओके दोस्तों, और इसके लिए चलाने के लिए हमें चाहिए क्या, सीरीज लीड, सीरीज लीड चाहिए हमें, वो ये हमारी ये रही, हमें हमारी ये दो तार जो है इसे चेक करनी है। फिलहाल मैं अब आपको उसके कैपेसिटर, पहले दो तार कैपेसिटर लगा के दिखा दूँ इसके। एक ब्लू लग गई, एक हमारी ये हमारी जो ब्राउन है, ओके दोस्तों, मैंने देखो कैपेसिटर के दो तार लगा दिए, ब्लू और ब्राउन। मैंने अपनी एक मेन तार जो दे दी ब्लैक में जो कॉमन है, दूसरी तार हमारी ये रही जिससे मैं तीनों स्पीडें चेक करूँगा। देख सकते हैं आप, ये दो तार जो मेरी आ रही है वो इसमें आ रही है, इस तरीके से चेक करते हैं। ब्लैक तार जो मेरी कॉमन है, रेड इसकी हाई है, येलो इसकी मीडियम है, वाइट इसकी लो है। ओके दोस्तों, अब मैं इसका बटन ऑन करता हूँ और आपको इसके मैं एम्पेयर चेक करवाऊँगा, इस टाइम इसमें करेंट है। पहले मैं आपको इसकी हाई चेक करवाता हूँ, ये देखो इस टाइम हमारी मोटर चल रही है 0.63 एम्पेयर हाई पे। ओके दोस्तों, अब मैं आपको इसकी मीडियम चेक कर पाता हूँ जो इसकी येलो है, ये हमारी मोटर चल रही है और मीडियम कितने ले रही है 0.42, हो गया ना हमारे एम्पेयर कम। और हमारी रह रही है अब वाइट जो है लो, आखिरी की लीड,
ये देखो हमारी मोटर चल रही है, और लो हमारी कितनी ले रही है, 0.30 एम्पेयर ले रही है, 0.30 एम्पेयर हो गए दोस्तों, हमारी 0.30 एम्पेयर ले रही है लो। हमारी स्पीड है जो है काम कर रही है, वर्क कर रही है हमारी, जो मैंने वाइंड करी 3 स्पीड में। ज़्यादातर बंदे क्या करते हैं कि वो एक ही तार में लीड जोड़ देते हैं और एक ही एम्पेयर दिखाती है, पर मेरा काम है जेन्युइन, हमेशा मैं तीनों स्पीड है इसकी काम करेगी। कभी भी मोटर लेकर आओ, चेक करवाओ, और बाकायदा मैं आपको स्पीड भी चेक करके बताऊंगा कि कितने पे कितने एम्पेयर लेती है। मेरी मोटर में हमेशा एम्पेयर कम ही लेगी, हाई मीडियम लो पे, और कोई बंदा लोकल बंदा होगा वो सिंगल स्पीड बांध देगा, पर एक ही तार में 3 तार जोड़ देगा, वो बोलेगा कि हमने कर दे 3 स्पीड में। जब वो PCB में लगाएगा तो शो करेगी एक ही स्पीड। और तो मेरी जो मोटर है हमेशा काम करता मैं जेन्युइन, और AC की मोटरों का ही काम है मेरा स्पेशली, AC की स्पीडों की मोटरों में मैं स्पेशली हूँ। ओके दोस्तों, और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई मोटर के साथ। ओके दोस्तों, बाय।